नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बजाज फाइनेंस में आगे क्या करें। इसके सारे फंडामेंटल एनालिसिस को जानेंगे, सारे शेयर होल्डिंग पैटर्न को जानेंगे, इसके फंडामेंटल्स, कौन से प्रोडक्ट बजाज फाइनेंस बेचता है, तो इस लॉकडाउन के सिचुएशन में इनके प्रोडक्ट की कैसी डिमांड है और कैसा सेलिंग है, और आगे जो फ्यूचर है उसकी भी बात करेंगे, उसमें बजाज फाइनेंस कैसा रिटर्न दे सकता है, मतलब बजाज फाइनेंस के बारे में पूरी तरह से हम जानेंगे आज इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो मैं हूं प्रशांत, स्वागत थे आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस प्लेस में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बजाज फाइनेंस के आज का जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे है उस दिन का ट्रेडिंग देख लेते हैं, मतलब हमारा स्टॉक्स उस दिन कैसा परफॉर्म किया। तो देख सकते हैं पिछले दिन ये हमारा 9% के अप्रॉक्स अब बार मूवमेंट दिया है, जो हमारा मार्केट भी अप था पिछले ट्रेडिंग डे। निफ्टी हमारा एक जो है 9000 को क्रॉस कर चुका है। तो उस तरह से देखा जाए तो बजाज फाइनेंस जो है हमारा उस दिन 8.96% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, मतलब पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया है, और ये हमारा 2200 या कहें 2100 के आसपास चल रहा था, अभी ये हमारा 2542 रुपीज़ पे है, और इसमें जो मूव हुआ 209 पॉइंट्स का अब मूव हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका जो पैटर्न भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का पैटर्न रहा है अभी कुछ दिनों में। तो चलिए हम आपको पैटर्न दिखाते हैं, बजाज फाइनेंस का जो पैटर्न रहा है मूवमेंट का, देख सकते हैं ये वन वीक में इसका चार्ट कुछ इस तरह का है, लेकिन वही वन मंथ में देख सकते हैं ये जो है अपने मैक्सिमम जो 4900 था उससे लगातार जो है नीचे का मूवमेंट दिखाया, और ये लो बनाया कितने का, 2081 रुपीज़ का लो बनाने के बाद जो है ये हमारा फिर से कुछ वीक में हमारा ये पॉजिटिव रिटर्न दिखा रहा है, पॉजिटिव मतलब अप बार मूवमेंट दिखा रहा है। तो वन ईयर का चार्ट देखते हैं, तो वन ईयर में देख सकते हैं कुछ इस तरह का मूवमेंट रहा है बजाज फाइनेंस का। वहीं फाइव ईयर्स का मूवमेंट आप देख सकते हैं कि लगातार ये देख सकते हैं लगातार ऊपर की ओर मूव किया, और फाइव ईयर्स में देख सकते हैं 472% का अप बार मूवमेंट है इस शेयर में, इस स्टॉक में। वहीं मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम ईयर में देख सकते हैं आप रिटर्न देखकर चौंक जाएंगे, 56,566% का रिटर्न। तो इतना रिटर्न आप किसी एक दो स्टॉक्स में ही आपको देखने मिलेंगे जो इतना बड़ा रिटर्न देता है। तो देख सकते हैं बजाज फाइनेंस में इतना बड़ा का रिटर्न, इतना बड़ा का मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है एक लॉन्ग टर्म में। तो ये स्टॉक्स फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है इसको जानते हैं, तो इस कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं उसको भी जान लेते हैं। चलिए हम बजाज फाइनेंस के प्रोडक्ट पे चलते हैं। तो बजाज फाइनेंस जो प्रोडक्ट सेल करती है वो देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है इसका वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, लाइफ स्टाइल फाइनेंस, डिजिटल प्रोडक्ट फाइनेंस, पर्सनल लोन्स, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, स्मॉल बिजनेस लोन, होम लोन्स, क्रेडिट कार्ड, टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर लोन्स, देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन्स, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स हैं, और जो भी प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं ये जो लॉकडाउन का सिचुएशन है इसमें सारे इनके प्रोडक्ट में कोई सेलिंग नहीं है, मतलब इनका प्रोडक्ट अभी सेल होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो अभी लॉकडाउन सिचुएशन है इसमें सारे प्रोडक्ट्स इनके अभी सेलिंग पोजीशन में नहीं है। इसलिए आपको बजाज फाइनेंस में एक बहुत ही शार्प करेक्शन देखने के लिए मिला है, और जैसे हमारा ये नॉर्मल सिचुएशन हो जाता है तो फिर से इसमें मूवमेंट देखने के लिए आप मिल सकता है। तो ये जो करेक्शन आया है ये इनके प्रोडक्ट के सेल नहीं होने के कारण, जैसे इनके कस्टमर जो बेस है, कस्टमर बेस में बहुत ही कमी आई है, बहुत सारे कस्टमर इन्हें अभी छोड़ना पड़ा है, तो इस कारण से बजाज फाइनेंस के प्राइस में आपको बहुत ही बहुत करेक्शन देखने मिला है। चलिए हम बजाज फाइनेंस के बारे में NSE पर कुछ इसके फंडामेंटल एनालिसिस को कर लेते हैं, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस में शेयर होल्डिंग देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो ये देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका, प्रमोटर्स के पास कुल कितने शेयर हैं, तो देख सकते हैं 56.15% प्रमोटर्स के पास, वहीं पब्लिक के पास है 43.49%, इतना शेयर, तो 56 है हमारे प्रमोटर्स के पास, वहीं 43 है पब्लिक के पास। और देख सकते हैं कंपनी लगातार डिविडेंड भी पे कर रही है, तो देख सकते हैं 10 रुपीज़, 6 रुपीज़, 4 रुपीज़, 3.6 रुपीज़, वहीं 10 रुपीज़, तो लगातार कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है। वहीं आप बात करते हैं इसके जो शेयर प्लिस्ड हैं,
जो प्रमोटर्स का शेयर है वो प्लेज कितना है, तो 0% है। देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रमोटर्स का शेयर है 0% प्लेज किया गया, मतलब कोई भी शेयर जो है वो कर्ज लेने के लिए, लोन लेने के लिए गिरवी नहीं रखा गया है। तो देख सकते हैं कि कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी तो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार देख रही है, अब हम इसके कुछ और फंडामेंटल एनालिसिस में देख लेते हैं कि इस कंपनी के पास कितना कर्ज है। तो इस पर चलते हैं कि कंपनी के बैलेंस शीट पर, तो ये है कंपनी का बैलेंस शीट। तो चलिए कंपनी के बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि कितना कर्ज है कंपनी के पास। तो देख सकते हैं टोटल डेब्ट है कंपनी के पास 86,000 करोड़, देख सकते हैं टोटल लाइबिलिटीज़ है कंपनी के पास 105,915 करोड़। तो ये आप जो देख रहे हैं टोटल डेप्थ, ये टोटल डेप्थ क्या है, ये एक फाइनेंस कंपनी है जो लोन ये प्रोवाइड करती है अपने प्रोडक्ट पर, जो लोन प्रोवाइड करती है डिजिटल प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट इसके हैं सारे प्रोडक्ट आपको हमने दिखा दिए कि ये जो लोन प्रोवाइड करते हैं, जो EMI प्रोवाइड करते हैं, चूँकि ये फाइनेंस कंपनी है तो जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं वो इनके डेप्ट में दिखाया जाता है, क्योंकि वो जो लोन प्रोवाइड किए जब तक वो मनी रिकवर नहीं हो जाती, जब तक कंपनी के पास आ नहीं जाती है, तब तक वो कंपनी के लिए एक डेप्ट ही है। तो इसलिए आप जो है फाइनेंस कंपनी के पास डेप्ट देखेंगे। लेकिन दोस्तों ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसका रिटर्न भी आप देख चुके हैं, ये 56,000 तक का रिटर्न दे चुका है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो टोटल लाइबिलिटीज भी देख सकते हैं। तो अब इसका एसर्ट देख लेते हैं नीचे कि टोटल एसर्ट कंपनी के पास कितना है। तो जो भी हमारा इस तरह का फाइनेंस कंपनी होगा वो जो लोन बार बार प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए उनका जो भी लोन दिया गया है उनके द्वारा वो उनके डेप्ट में ही आपको देखने मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एसर्ट, तो कंपनी के पास अभी कुल कितना एसर्ट है, तो देख सकते हैं 105,915 करोड़ इतना एसर्ट है टोटल एसर्ट कंपनी के पास। और नेट जो करेंट एसर्ट है वो 94,000 करोड़, ये नेट करेंट एसर्ट है। तो देख सकते हैं कंपनी जो है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर बुक वैल्यू भी देख सकते हैं कंपनी का, पहले बुक वैल्यू में गिरावट आया था, देखिए पहले ये कंपनी का बुक वैल्यू था 957 करोड़, और फिर ये बढ़कर के हो गया हमारा बुक वैल्यू 1,359 करोड़, फिर ये एकाएक घट करके बुक वैल्यू में बहुत ही कमी आ गया। तो देख सकते हैं बुक वैल्यू होता है नेट करेंट एसर्ट माइनस लाइबिलिटीज़। तो बुक वैल्यू में फिर से देख सकते हैं कि ये जो इधर के क्वार्टर है इसमें इंक्रीज़ हुआ है, तो बुक वैल्यू भी कंपनी का लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कंपनी जो फंडामेंटली बहुत ही अच्छे हैं, बस आपको ये देखना है कि आपको किस प्राइस मूवमेंट पे आपको इसमें इंटर करना चाहिए। तो चलिए हम उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं कि किस प्राइस मूवमेंट पे आपको इंटर करना चाहिए ताकि इसमें आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अपना लो बनाया, जो लास्ट ट्रेडिंग डे है, लास्ट ट्रेडिंग डे को वो बनाया 2,367 रुपीज़ का लो बनाया, वही हाई बनाया कितना 2,566 रुपीज़ का हाई बनाया। तो अभी ये इसका जो करेंट प्राइस है वो है 2,551, मतलब अपने हाई प्राइस जो बनाया लास्ट ट्रेडिंग डे उसके पास में है, मतलब उसी के पास है। इस वन वीक का प्राइस चार्ट देख लेते हैं, वन वीक में ये जो लो बनाया 2,081 रुपीज़ का, तो आप इस लो के आसपास इसमें इंटर कर सकते हैं। लेकिन जो इसका बहुत सारे जो हमारे कंपनी है AMC कंपनी, उन्होंने इसका टारगेट दिया है कि ये हमारा 1,750 रुपये तक जाएगा, 1,750 रुपये। लेकिन अगर मार्केट लगातार अप मूव करता है तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन अगर मार्केट करेक्ट होता है, जो हमारा निफ्टी है 9,000 से नीचे 8,000 की ओर जाती है, तो आपको जो इसका टारगेट बहुत सारी जो कंपनियां है दी है, बहुत सारे जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, बहुत सारे जो बड़े बड़े दिग्गज हाउस है, ब्रोकरेज हाउस, उन्होंने जो टारगेट दिया है 1,750 का, वो आपको अचीव होता हुआ दिख सकता है। क्योंकि अभी ये मात्र 2,551 प्राइस पे है, तो इस और मूव कर सकता है। और ये जो 52 वीक हाई था, ये भी देख सकते हैं 52 वीक हाई इस कंपनी का बहुत ही बहुत ऊपर है। देख सकते हैं 4,923 रुपीज़ का ये 52 वीक हाई है, या कहें इसका लाइफ टाइम हाई है। और लाइफ टाइम
हाई से अपने अभी ये कितना नीचे करेक्ट हो चुका है आप देखते हैं, 50% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, 50% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है अपने 52 वीक हाई से। अभी ये 2551 रुपीज़ के प्राइस पे है। तो जैसे ये आप नीचे आता है वैल्यू, जैसे 2100 के आसपास आता है, तो आप इसमें SIP मोड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो हम भी इसमें जैसे जैसे नीचे आता है तो और भी क्वांटिटी इसमें हम बाय करेंगे। तो जैसे आप इस पर अपना वॉच लिस्ट में लगा कर रखेंगे, जैसे ये हमारा 2000 के आसपास आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP मोड में, क्योंकि अभी कोई सिचुएशन क्लियर नहीं है कि कब हमारा लॉकडाउन ख़त्म होगा, कब हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा इसका, और कब कंपनी फिर से ग्रोथ दिखाएगी और फिर से इसका जो प्राइस है लगातार अप मूव करते हुए हमें देखने मिलेगा। तो इसलिए आप इसमें सोच समझ के इन्वेस्ट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और जब भी इन्वेस्ट करें तो आप जैसे जैसे ये नीचे करेक्ट होता है तो SIP मोड में करें, एक शेयर लिए फिर एक शेयर लेंगे, इस तरह से आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। आपको हमने दिखाया भी कि लॉन्ग टर्म में इस तरह का शेयर बहुत कम देखने को आपको मिलेगा, कि ये 56,566 इतना परसेंट का रिटर्न दिया हो लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म का देखते हैं, जो ओवरऑल लाइफ का लो है वो है 2.21 रुपीज़, और हाई देख सकते हैं 5000 के पास। तो उम्मीद करता हूं कि बजाज फाइनेंस में आप समझ गए होंगे कि कब आपको इन्वेस्ट करना है और किस प्रकार इन्वेस्ट करना है। तो कब इन्वेस्ट करना है, 2000 के लेवल के आसपास आता है तो, और SIP मोड में आपको इन्वेस्ट करना है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।